मैडम आज पेश होने वाली है क्या? सर आपकी तरफ से कोई सूचना दी गई है ईडी को? किस तरह का कोई कम्युनिकेशन किया गया? माइक नीचे ले लो। किया गया है? देखिए कम्युनिकेशन तो करना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। ईडी जो है इस देश की एक संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर कोई सरकार का कागज आता है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं खुद लॉ मेकर हूँ, कानून को हम मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है। चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। जो बात हमको जनता के सामने रखनी थी वो मैंने कल की पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बता दी। और भी बहुत बातें मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा। सर कल आपने एक बात कही थी कि पीन लेता हूं बीजेपी के, और बीजेपी के ये जो हमारी बातें हैं वो देश को और ईडी है उनके लिए भी मार्गदर्शक रहेंगी। बात रही आप जो सामने मेरे खड़े हो श्रीमती वर्षा राउत जी की नोटिस के बारे में, नोटिस अब तक मैंने देखी नहीं है, नोटिस मेरे नाम पर नहीं है, मैंने देखी नहीं, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब राजनीति कैसी चलती है, तो चलने दो, लेकिन हम उसका जवाब देंगे। सर बीजेपी के तीन नेताओं की बात की कि तीन नेता हैं जो लगातार ईडी ऑफिस जाते हैं, मैं जानता हूं, तो वो कौन से तीन नेता हैं? मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सबको उसका मार्गदर्शन मैं करूंगा। मैंने बता दिया कि मैंने अब तक नोटिस देखे नहीं है, लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा। कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस देश में कानून है आज भी, और अगर हमारे जैसे लोग कानून का आदर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जी हाँ, थोड़ा टाइम, अभी इतनी बड़ी केस है, पूरा देश हिल गया है, और कुछ नहीं देश में हमारे आजकल, कुछ नहीं है ना। मेरे पास जो 120 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है वो देने के बाद शायद ईडी को बड़ा काम मिल जाएगा, सरकार को बड़ा काम मिल जाएगा, लेकिन अब तो ये एक ही केस देश में चल रहा है जो 50 लाख का है सिर्फ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं, और हम भी जो सरकारी कागज मेरे पास आया है हमारे घर पे उसका मैं आदर करता हूँ, और सभी ने करना चाहिए। सर मराठा जी रंगा, सर सिर्फ आपसे दो लाइन में, सर लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या वक्त मांगा है, क्योंकि आज का समय आपने जैसे कहा कि आप आदर करते हैं संस्था का, आप कानून बनाने वालों में से हैं, तो क्या आज जो बुलाया गया था आप लोगों ने वक्त मांगा है? डेफिनेटली हमने वक्त मांगा है। सर कब तक का वक्त मांगा है? 2-4 दिन का वक्त मांग लेंगे हम, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है जी, जो भी है हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा हमने एफिडेविट में दिया है, पार्लियामेंट के इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स भरते हैं उसमें दिया है। जो छुपाने वाले होते हैं वो भाग कर चले जाते हैं या एजेंसी को मैनेज करने में लगते हैं, हमको ये कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास खुली किताब है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ही सीधे तरीके से अपनी बात सरकारी एजेंसी में रखते हैं। सरकार गिराने के लिए बात ऐसी है, मुझे धमकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैंने जो बात की है कि उनकी इस प्रकार की भाषा थी कि हम सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसको धमकी मानता हूं सरकार के लिए,
और मुझे धमकी देने वाला पैदा नहीं हुआ। जो मुझे धमकी देगा वो नहीं रहेगा। काल मी याच्यावर सविस्तर बोललो। मी एक स्वतः कायद्याचं पालन करणारा नागरिक आहे। मी संसदेचा सदस्य आहे। आम्ही कायदे बनवतो, आम्ही कायद्यावर चर्चा करतो। त्याच्यामुळे जर सरकारच्या तपास यंत्रणेकडून माझ्या कुटुंबाला एखादा कागद आला असेल तर त्याचा आदर करणं हे आमचं कर्तव्य आहे। बोलले त्याच्याविषयी काय मतभेद असतील, काही राजकारण आहे अर्थात त्याच्यावेगळे राजकारण आहे सगळ्यांना माहिती आहे, पण त्या राजकारणाचाही मी आदर करतो। सध्या या संस्थांना दुसरं काही काम नाही। सरकार विरोधक जे आहेत, खास करून भाजप काय विरोधक आहेत, त्याला त्यांचा कशा प्रकारे मानसिक छळ करता येईल किंवा इतर गोष्टीने छळ करता येईल हे त्यांचं एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे। त्या राष्ट्रीय कर्तव्याचा सुद्धा आम्ही आदर करतो, कारण शेवटी त्यांनाही काहीतरी काम पाहिजे, त्यांना हुकूम मानायचे असतात, हे हुकुमाचे ताबेदार आहेत। त्याच्यामुळे मला ईडीची क्यू येते। या संस्था ह्यांना कधी काळी फार प्रतिष्ठा होती, आता ह्यांचा कोणी आदर आणि यांना कोणी प्रतिष्ठा देत नाही या सगळ्या एजन्सीला, कारण यांना सरकारचे नोकर मानलं जातं, सरकारी गुलाम मानलं जातं। या देशाची शोकांतिक आहे, पण तरीही या सरकारी कागदावरती जो एक सत्यमेव जयतेचा एक एम्ब्लेम असतो त्याचा आदर या देशातली जनता करते, त्याच्यापैकी मी एक। बात गोष्ट आली तुमच्या नोटीसची, श्रीमती राऊत यांना एक नोटीस जर आली आहे तर ती का मी पाहिली नाही, पण आम्ही सांगितलेलं की त्याला एक सविस्तर उत्तर द्या आणि पुढची वेळ मागून घ्या। आमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नाही, आम्ही एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातले लोक आहोत, जे का आमच्याकडे आहे ते कधी लपवलं नाही। त्या संदर्भात आम्ही राज्यसभेच्या पार्लमेंटच्या आमच्या संपूर्ण त्या अफिडेव्हिटमध्ये सगळी माहिती दिली आहे। तीच तुम्ही टीव्हीला दाखवता, नवीन काय आहे? 15 वर्षापूर्वी तीच माहिती आहे सर, नवीन काही नाही, ती दाखवू द्या। त्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं, ज्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं ते एकतर या तपास यंत्रणा व दबाव वाढव त्यांच्या केसेस मॅनेज करतात, ज्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं ते घाबरून भाजपामध्ये प्रवेश करतात, तसे केलेले महाराष्ट्रात उदाहरण आहेत, आंध्रमधली आहेत। आमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नाही, आम्ही शिवसेनेत आहोत, शिवसेनेत राहणार आणि शिवसेनेत मरणार, आणि हे सरकार सुद्धा 5 वर्ष टिकणार। 3 मला माहित नाही, पण जर असं झालं असेल तर ही देशभरातली लोकभावना आहे। थँक्यू सर।